दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अजमेरा टेक की तरफ से आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आज मैं आपको प्राइम प्रो में ग्राफिक कार्ड का वीडियो एडिटिंग में क्या उपयोग होता है, क्या यूज होता है, कितना यूज होता है, इसके बारे में पूरे विवरण पर चर्चा करेंगे। आप पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें, इससे आपको ग्राफिक कार्ड के प्रति जो मन में सोच संकोच चल रही है उसका समाधान हो सके, और ग्राफिक कार्ड का प्राइम प्रो में कितना यूज होता है और कितने रेंडर का फर्क पड़ता है इसके बारे में पूरा विवरण पर बात करेंगे। दोस्तों वीडियो के विवरण में जाने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलो चलते हैं। दोस्तों जब मेरे कंप्यूटर में i5 और 16 GB रैम होने के बावजूद भी जब मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता था तो रेंडरिंग में बहुत समस्या आती थी। नॉर्मली काम उसमें हो जाता था, लेकिन जैसे ही मैं उसमें कोई इफेक्ट डालता तो रेंडरिंग में बहुत टाइम लेता था, इतना टाइम तो मेरे को इंतजार करना पड़ता था। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं वीडियो एडिटिंग यूट्यूब पर वीडियो डालने के लिए करता हूँ, लेकिन मुझे बढ़िया 4K में वीडियो बनाने थे, इसलिए मेरे कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग अच्छी तरह नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैं इसके समाधान के लिए यूट्यूब पर गया और इसके विवरण के बारे में देखा, तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड का कोई यूज ही नहीं है इसमें, और कुछ बोल रहे थे ग्राफिक कार्ड का यूज होता है। तो दोस्तों मैं कंफ्यूज में हो गया कि मैं इसको ग्राफिक कार्ड खरीद कर लाऊं या नहीं लाऊं। तो मैंने इसे समाधान के लिए फिर मार्केट में गया और मार्केट में इसके विवरण के बारे में पता किया, तो उन्होंने बताया कि जो ग्राफिक कार्ड होता है वो सभी में एक जैसा ही होता है। आप इसको i3, i5, i7 में लगा सकते हो, DDR3, DDR4 में भी लगा सकते हो, सभी के लिए ग्राफिक कार्ड एक ही होता है। दोस्तों पहले मैं कंफ्यूज था कि एक मैं ग्राफिक कार्ड लेके भी आ जाऊं और पैसे इन्वेस्ट भी हो जाए और किसी काम भी नहीं आए। तो दोस्तों आज आपके सामने ये बात शेयर कर रहा हूं। दोस्तों फिर मैंने NVIDIA का RTX 2060 ट्रे करके ले आया। दोस्तों जब मैंने उसको लगा के देखा तो पहले से काफी स्पीड में फर्क आ गया था। दोस्तों उस स्पीड के बारे में आने वाले वीडियो में आपसे बात करेंगे। दोस्तों ग्राफिक कार्ड के बारे में किन्नी भाइयों को एक कंफ्यूज रहता है कि मेरे तो ग्राफिक कार्ड का यूज होता ही नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राफिक कार्ड की दो फाइलें डाउनलोड करनी होती है, एक ग्राफिक कार्ड की, एक स्टूडियो ड्राइवर की। जो वीडियो एडिटिंग करते हैं उनमें स्टूडियो ड्राइवर इम्पोर्टेंट होता है, उसको कैसे डाउनलोड किया जाता है के बारे में अगले वाले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ग्राफिक कार्ड के बारे में किन्नी भाइयों को वो कहते हैं कि हमारे ग्राफिक कार्ड का यूज नहीं होता है। दोस्तों अगर आपने नया ग्राफिक कार्ड क्रैक किया है तो आपको उसमें दो फाइल डाउनलोड करनी होती है, एक तो होती है ग्राफिक कार्ड की जिससे गेम खेला जाता है, और दूसरी होती है वीडियो एडिटिंग के लिए, उसे कहते हैं स्टूडियो ड्राइवर। इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है और कहां कहां से किया जाता है इसके बारे में आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों जिनके पास ग्राफिक कार्ड का पुराना वर्जन है वो अपने ग्राफिक कार्ड का स्टूडियो ड्राइवर देख ले, वो अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके ग्राफिक कार्ड का स्टूडियो ड्राइवर अवेलेबल नहीं है तो आपके ग्राफिक कार्ड सिस्टम में शो तो करेगा लेकिन उसका यूज नहीं हो पाएगा। इसका कारण यह है कि प्राइम प्रो के नए वर्जन आ जाते हैं, आप उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं और वो ग्राफिक कार्ड शो भी होता रहता है लेकिन उसका यूज नहीं हो पाता। इसलिए लोग कहते हैं कि ग्राफिक कार्ड का ज्यादा यूज नहीं होता है या फिर वो उसको पूरा सपोर्ट नहीं कर पाता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपके पास ग्राफिक कार्ड का पुराना वर्जन है और आप उसकी सेटिंग चेंज करके का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, वो उसमें शो भी हो जाता है लेकिन रेंडरिंग या स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए कुछ भाई कहते हैं कि इसका तो कोई यूज ही नहीं है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि इसके जो लेटेस्ट वर्जन आ जाते हैं उनके साथ लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड भी चाहिए होता है, तभी ये पूरी तरह काम कर पाता है। आपने अगर प्राइम प्रो का नया लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लिया है और आपके पास पुराना ग्राफिक कार्ड है जिनका स्टूडियो ड्राइवर भी अवेलेबल नहीं है तो उसमें ये पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता है। दोस्तों सिर्फ आज इतना ही। दोस्तों आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी क्या क्या सेटिंग होती है, कहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी स्पीड भी आपको चेक करके बताऊंगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और बेल की घंटी का आइकन पर क्लिक जरूर कर देवे, इससे आगे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।